जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लूम टेक्निक और मैं हूं आपका दोस्त वारिस। आज मैं बताने वाला हूं आपको इस जगाट के बारे में। ये 500 हुक का जगाट है। 500 हुक मतलब 125 चौक। 125 चौक यानी 500 हुक। कैसे जानते हैं? 125 गुणे 4 कर देंगे तो 500 हुक आ जाएंगे। इसका मैं आपको एक रिव्यू देने वाला हूँ। ये देखें, किनारों किनारों पर जो है कि चार तीलियाँ, दसों लाइन में चार तीलियाँ मोटी मोटी लगाई गई हैं, साटन के लिए लगाई गई हैं। बाकी सब वही सेम तीली है। इधर किनारे भी मोटी तीलियाँ लगाई गई हैं साटन के लिए, कि आप चाहे बाएं मशीन पर फिट करें या दाहिने मशीन पर। कभी तीली इस तरह से चलती है, कभी उस तरीके से। तो ये देखें, कहने का मतलब तीली कभी साइड साइड में कटता है नक्शे में, पत्ते में, और कभी आगे पीछे कटता है, वही कहने का मतलब है। ये देखिए हुक की ऊंचाई, ये नीचे वाला हिस्सा, जाल के नीचे का जो हिस्सा है वो लगभग 7 इंच के बराबर है। अभी मैं उसको मेजरमेंट करके दिखाऊंगा आपको। सबसे बेहतरीन बात जानते हैं क्या है? सबसे बेहतरीन बात है कि इसकी जो भी पार्ट लगाए गए हैं इसमें सब बिल्कुल 0-0 हैं, एकदम बिल्कुल पॉइंट टू दी पॉइंट एकदम फिटिंग किए गए हैं। सबसे बेहतरीन बात है ये कि एकदम 0-0 पॉइंट पे इसको फिट किया गया है। थोड़ा सा भी इसमें हचक नहीं है किसी भी पार्ट में। ये देखिए, ये कोनिया है इसका। यल अंग्रेजी के यल अक्षर के जैसा होता है, इसे कोनिया कहते हैं। ऊपर नीचे दोनों तरफ खांचे कटे होते हैं एडजस्ट करने के लिए, कि जगाट का जो है कि वो बेलन जो है कि कितना दौड़ में होना चाहिए, कितना आगे जाना चाहिए, कितना पीछे जाना चाहिए, इसके लिए इसमें खांचे कटे होते हैं। अब ये देखिए, ये खड़िया राड और बढ़िया राड के बीच में इतना अच्छा खासा जगह मिल जाता है कि एक दूसरे से टच नहीं होंगे। वरना कई बार तो ऐसा होता है कि जगह कम रहता है और फिटिंग करने वालों को जानकारी भी थोड़ी सी कम होती है, इसके लिए बिल्कुल सटा करके चिपका करके सेटिंग कर देते हैं और खड़िया बढ़िया दोनों राड कटने शुरू हो जाते हैं वहीं से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये देखिए, बेलन पे 3 डॉट लगाया गया है। 3 डॉट का मतलब होता है नंबर। बेलन में हमेशा दाहिनी तरफ नंबर होते हैं दोस्तों, याद रखना। और ये देखिए, ये इसका चकनट है, बहुत ही हैवी चकनट लगाया गया है। और ये एक स्मार्ट बेलन है। स्मार्ट बेलन मतलब एक पट पे सादा, फिर दूसरे पट पे जो है कि होल्स बने होते हैं अंदर का जो है कि। ये देखें अंदर इसके कैसा है दिखने में। और इसमें एक 4 सूत वाली राड लगाई गई है जो इधर से होकर पूरी बेलन में अंदर ही अंदर देखिए जाती है, एक तरफ से दूसरे तरफ तक एकदम बाहर तक जाती है, जो कि ये इसमें खांचे में आकर के बैठती है। तो ये बेलन हुआ दोस्तों। बेलन भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का, अच्छे ढंग से बनाया गया हुआ है। जिस मैकेनिक ने भी बनाया इसको, बहुत ही बढ़िया ढंग से बनाया है। अब ये देखें, नीचे जाली के नीचे तक की ऊंचाई देखिए लगभग लगभग 7 इंच है। तो दोस्तों 7 इंच तो नहीं है, लेकिन 6.5 इंच से 6.5 इंच से ज़्यादा है। तो जब भी आप जगाट बनवाएं तो जाली के नीचे का जो है हिस्सा 6 इंच से ज़्यादा ही रखें। 6 इंच से कम रहता है तो उठान में दिक्कत होती है, पार थोड़ा कम उठते हैं, जिससे चलने में मशीन दिक्कत होती है। ये बिल्कुल नया जगाट बनवाया है हमने साथियों। आप लोग भी बोल रहे थे कि जगाट पे इस पर कोई वीडियो बनाए, तो हम इसके रिव्यू पे थोड़ा सा एक वीडियो बना दे रहे हैं कि कैसा है ये जगाट। तीली भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के, मजबूत क्वालिटी के लगाए गए हैं साथियों इसमें। अब आइए आपको दिखाते हैं पीछे इसके। पीछे देखिए, ये बढ़िया तीली लगाई गई है और इसमें स्प्रिंग भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के और बेहतरीन ढंग से फिट किए हुए हैं, देख रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन ढंग से फिटिंग की हुई है दोस्तों।
ये देखिए इधर से ये बीच वाला हिस्सा आधा आधा बढ़ जाता है, 60 चौक इधर, लगभग 60 चौक इधर हो जाता है, तो 125 चौक हो जाता है। इधर से देख लीजिए, बहुत ही हैवी जगाट, बहुत ही हैवी हैवी पार्ट्स लगाए गए हैं दोस्तों इसमें। इसके जो कुत्ते वगैरह भी हैं बहुत मोटे मोटे लगाए गए हैं। पत्ता पलटने वाला कुत्ता, डिजाइन कार्ड को चेंज करने वाला कुत्ता बहुत मोटा लगाया गया है भी। और इधर से देखिए नीचे जाल, सारी की सारी तीलियाँ बिल्कुल अपनी सटीक जगह पर हैं इस तरीके से। इसमें दोस्तों बताया ना हमने कि 500 तीलियाँ हैं पूरी। इस तरह से जब जगाट बनते हैं तो चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है और डिज़ाइन का भी अच्छा पड़ता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।